हिमांशु यस सर। गुड बेटा, देखो इस टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे, पर उससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ आपसे। मान लो इन जनरल बात करता हूँ, अपने पास तीन नंबर हैं, 1, 2 एंड 3। नंबर दिख रहे हैं बच्चों, वन यस टू। सर। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीन नंबर का यूज करके मैं कितने नंबर बना सकता हूं, 3 डिजिट नंबर, कैन बी फॉर्म यूजिंग 1, 2, 3, फॉर्म्ड 1, 2, 3 यूजिंग। तो बच्चों सोच के बताओ, 1, 2 और 3 का यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट नंबर। देखो मैं शुरुआत कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर बताता हूँ आपको। देखो 3 डिजिट अपने पास, 1, 2 एंड 3, 3 डिजिट नंबर बनाना। तो देखो एक नंबर तो ये बन जाएगा बच्चों, 1, 2, 3, 3 डिजिट नंबर है ना अपने पास। देखो बच्चों 3 डिजिट का मतलब होता है उसमें तीन प्लेस होने चाहिए। देखो इसमें तीन प्लेस है, फर्स्ट प्लेस 1, 2 एंड 3। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन तीन नंबर का यूज करके 1, 2 एंड 3 हम 3 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं, सोचो एक नाइन बार। नाइन नहीं बच्चे, एक बार फिर से नौ सोचो। सौ निन्यानवे सर। अरे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर जिनमें इनको रिपीट नहीं करना है। मतलब ये नंबर नहीं नौ सौ बनाना, निन्यानवे 1, 1, 1, ये नंबर नहीं बनाना हमने, विदाउट रिपीटिंग। मैं इसके साथ लिख देता हूँ, सुनो, रिपीटिंग वाला बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार ये बताओ, विदाउट रिपीटिंग एक नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए दो अपना। तीन चार, तीन चार एक 900। अरे बच्चे इतने नंबर नहीं बनेंगे। 12 हाँ अब की बार थोड़े थोड़े नजदीक आए हो, और सोचो थोड़ा सा। देखो एक नंबर की शुरुआत कर दी मैंने जिसमें 1, 2, 3 है, और बताओ। 15 सर। 15 भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगी, 12 को मैं यूं कह रहा हूँ, 12 को थोड़ा नीचे लाओ तो 15 तो ज्यादा हो गए बच्चे। और सोचो। नो हाँ और थोड़ा सा कम करो। छह हाँ अब की बार सही बताया, किसने बताया? छह। नरदली दिलीप, बहुत अच्छे बच्चे। अब यूं और बता दो, 6 नंबर कौन कौन से बनेंगे? एक तो 1, 2, 3 हाँ एक तो 1, 2, 3 हमने बना दिया। एक 3, 2, 1 और बच्चे 2, 3, 1 टू एक थ्री 2, 1, 3 2, 3, 1, बहुत अच्छे। 2, 1, 3, बहुत अच्छे। 3, 1, 2 3, 1, 2, बहुत अच्छे। और बताओ, एक नंबर और बच गया भाई। 1, 3, 2 1, 3, 2, शाबाश। 1, 2, 3। अब बच्चों एक चीज पे फोकस, टोटल कितने नंबर बने अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 डिजिट नंबर यूजिंग 1, 2, 3 विदाउट रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और सेम भी नहीं होना चाहिए। तो अपने पास टोटल कितने बने, 6 बने बच्चों। और किसी को अगर कोई दिमाग में आ रहा हो इससे अलग नंबर बताओ, बताओ बेटा। हिमांशु, पंकज, रेडमी गो, रेडमी गो अपना नाम चेंज करो बच्चे। अच्छा सर, करना नहीं आता है नाम वैसे बता दो बच्चे, संदीप। संदीप। बताओ इनके अलावा आपके दिमाग में कोई और नंबर आ रहा है? सर नहीं आ रहा ना, तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स तो कहीं लगाया ही नहीं हमने इसमें। 3 डिजिट थी अपने पास, 1, 2, 3, इन तीनों डिजिट का यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं टोटल विदाउट रिपीटिंग, 6 नंबर बना सकते हैं। वो हमने देख लिए, 3 ये थे और 3 ये। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ तुमसे। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट पोजीशन की बात करता हूँ मैं, ये है अपनी फर्स्ट पोजीशन। इस फर्स्ट पोजीशन में एक नंबर 2 बार ही दिख रहा होगा तुम्हें। देखो 1 की बात कर लेते हैं, 1 एक बार यहाँ पे आया और एक बार यहाँ पे, तो 1 इन टोटल कितनी बार आया अपना, 2 बार आया, ठीक है बच्चों। अब 2 की बात करता हूँ, तो 2 एक बार यहाँ और एक थ्री बार यहाँ, कितनी बार आया, 2 बार।
तो टू की पोजीशन भी देखूं फर्स्ट पोजीशन पे, टू भी अपना दो बार दिखेगा हमें। अच्छा थ्री की बात कर लेता हूं, थ्री एक बार यहाँ पे आया और एक बार यहाँ पे, थ्री भी कितनी बार आया अपना, दो बार ही आया, दो बार। ये तो मैंने फर्स्ट पोजीशन की बात करी है। अब आप सेकंड पोजीशन की बात करो, इसमें भी देखो सेम केस इसमें आया होगा बच्चों, वन भी दो बार दिखेगा, टू भी दो बार दिखेगा और थ्री भी दो बार ही दिखेगा। दिख रहा है बच्चों? देखो वन की बात, यस सर, ये वन दो बार आया, टू भी दो बार आया और थ्री भी दो बार, और लास्ट yes, बात भी करोगे तो उसमें भी सेम ही केस आएगा, वन भी दो बार, टू भी दो बार और थ्री भी दो बार। ठीक है बच्चों? अब मैं yes, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये नोट सर, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग वन टू थ्री, तो कितने होंगे? आंसर होगा इसका, आंसर होगा सिक्स, और कौन कौन से होंगे वो मैंने लिख के दे, अब किसी ने ना उतारे हो तो वो खुद से कर लेना, इतना कुछ कंफ्यूजिंग तो था ही नहीं इसमें। अब एक बात और करता हूं मैं, अपने पास नंबर है बच्चों अब की बात 3.4, दो ही नंबर है 3 and 4, तो हाउ मेनी टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3.4। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, जल्दी बताओ। टू, बिल्कुल सिंपल, थ्री फोर और दूसरा फोर थ्री, ठीक है ना बच्चों? यस सर। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं हम। अब अगर मान लो अपने पास नंबर आ जाते हैं चार, सोचना बच्चों, और फोर डिजिट नंबर की बात करता हूं मैं, फोर डिजिट नंबर, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी यूजिंग एट टू थ्री एट, मैंने नंबर तो देख लो, चार नंबर अपने पास 1 2 3 4, इन चार नंबर का यूज करके हम कितने फोर डिजिट नंबर बना सकते हैं, अब बताओ। एट सर। नहीं, 10। कितने? 10। नहीं, 12। 4 3 2 16। किसने बताया 16? बहुत अच्छे सर, दलीप। दलीप बेटा बताया तो नजदीक ही है, थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। 20। शाबाश, किसने बताया? थोड़ा सा और, दलीप। दलीप थोड़ा सा और ऊपर चलो। 24 एग्जैक्ट 24 होने में। अब यू बताओ कि 24 कौन कौन से बनेंगे? 3 2 1 4। अब देखो 24 नंबर लिखने तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे अपने पास, हो जाएंगे ना। मैं आप इन तीनों से एक कॉन्सेप्ट निकालना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट निकाल देंगे, फिर अपने से कोई भी पूछेगा कि 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 6 डिजिट कितने बनेंगे, 7 डिजिट, सिंपल यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट हम वो निकाल सकते हैं। और कॉन्सेप्ट है अपना भाई फिलिंग द वैकेंट प्लेस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान से सुनना, फिलिंग द वैकेंट प्लेस, वैकेंट प्लेस। देखो मैं आपने जो आंसर दिए थे उनका बता देता हूं, पहले टू डिजिट नंबर की बात करता हूं, देखो आंसर ले लेता हूं, टू डिजिट नंबर थे अपने वो कितने बने थे, आंसर आया था इसका 2, और थ्री डिजिट नंबर थे By using 1 2 3, three digit बने थे अपने 6, यही था ना बच्चों, इसमें 1 2 6, yes sir, और two digit में 3 4 लिया था, और four digit जो दिलीप ने बताया इसमें number थे अपने पास 1 2 3 and 4, तो यहाँ से four digit number बने अपने पास 24, यही था ना बच्चों। अब मैं एक concept बता रहा हूँ, देखो अपने पास फोर डिजिट की बात करता हूँ बच्चों, फोर डिजिट नंबर बनाने, और नंबर कितने हैं अपने पास, चार ही हैं, 1 2 3 and 4, तो मैं चार प्लेस बना देता हूँ पहले, देखो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस, देखो चार प्लेस दिख रहे हैं ना सबको बच्चों, चलो नहीं दिख रहे yes, सर, yes, सर। एक डिब्बा बना, तो फोर डिजिट नंबर बनाने थे हमने, चार डिब्बे बना दिए, ठीक है बच्चों। अब इन चार डिब्बों में वैल्यू हमने डालनी है, कंडीशन क्या है,
अपना एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए बच्चों, यही कंडीशन है ना। विदाउट रिपीटिंग मैं लिख देता हूँ साथ में, विदाउट रिपीटिंग, रिपीट मतलब दोबारा से नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें वन डाल देता हूँ, एग्जाम्पल सुनना, अगर मैं यहाँ पे वन डाल देता हूँ तो वन फिर आगे नहीं दिखेगा हमें, ये होता है रिपीटिंग का मतलब, समझ रहे हो। विदाउट रिपीटिंग मीन्स यहाँ पे अगर मैंने वन फिक्स कर दिया फर्स्ट डिब्बे में तो आगे जो तीन डिब्बे इनमें वन नहीं आएगा, दैट इज नोन एज विदाउट रिपीटिंग। समझे बच्चों। अब यस सर। दिलीप बेटा एक बात बताओ, फर्स्ट डिब्बे की बात करता हूँ, चार डिब्बे फिर करने हमने, नंबर है अपने पास चार, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, ये चार नंबर की चार करने हैं और देखना है कितने नंबर अपने पास बन जाएंगे, ये करना है ना हमें। अब आप बताओ फर्स्ट जो डिब्बा है, मैं इस डिब्बे को उठा के चलता हूँ, इस डिब्बे में मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या डाल सकता हूँ, बताओ हिमांशु। 4 3 2 1 4 3 2 1 पॉसिबिलिटी पूछी है मैंने। इस डिब्बे में बेटा मैं चार भी डाल सकता हूँ, थ्री भी लगा सकता हूँ, टू भी लगा सकता हूँ और वन, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी अपने पास, चार पॉसिबिलिटी, चार इसके नीचे चार लिख दो। तो इस डिब्बे को फिल करने के लिए अपने पास चार तरीके होंगे, कौन कौन से, वन भी लगा सकता था, टू भी लगा सकता था, थ्री भी और फोर भी। मान लो अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे वन लगा दिया बच्चों, इस डिब्बे में वन फिट कर दिया, ठीक है, अब वन फिट कर दिया तो अपने पास अब नंबर कौन कौन से बच गए, वन तो हट गया, वन फोर थ्री टू थ्री फोर, टू थ्री फोर। इस डिब्बे में बताओ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तीन सर, वन थ्री फोर, टू थ्री फोर, वन फोर, वन तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया अपना, अब इस 1 4 3 2 वन नहीं आएगा बच्चे, वन तो यहाँ पे फिक्स होगा अपना, 2 3 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो मतलब इस 4 3 2 2 3 4 में से कोई भी नंबर इस डिब्बे में लगा सकता हूँ, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी अपने पास, 4 3 2 3 3 बहुत अच्छी। अब मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, चलो 3 कर देते हैं, चलो 4 कर देते हैं, पहले डिब्बे में मैंने 1 फिक्स कर दिया, दूसरे डिब्बे में 4 फिक्स कर दिया, अब अपने पास से एक नंबर और कम होगा, 4 भी हटेगा, अब नंबर कितने बचे बच्चों अपने पास, दो, दो, वन, डिब्बे भी दो हैं अपने पास। अब बताओ बच्चों इस डिब्बे में कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या लगा सकता हूँ, टू और थ्री इसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, और इसकी पॉसिबिलिटी में अपने पास टू पॉसिबिलिटी होगी बच्चों। यहाँ पे मान लो मैं 3 को फिक्स कर देता हूँ, 3 लगा के छोड़ दिया है, ठीक है बच्चों। अब लास्ट वाले डिब्बे की बात करें तो बताओ इसमें कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, अब 1 2 और वो कौन सा, यहाँ से 2 नहीं, 1 3 को हमने हटा दिया, यहाँ बचा 2 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इसकी पॉसिबिलिटी बची 1। अब कॉन्सेप्ट की बात आती है बच्चों, अब देखो इस फर्स्ट डिब्बे की पॉसिबिलिटी थी 4, सेकंड डिब्बे की पॉसिबिलिटी थी 3, थर्ड की 2 और लास्ट की 1, इन पॉसिबिलिटीज की मल्टीप्लाई कर दूं, तो पॉसिबिलिटीज की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, 4 × 3 × 2 × 1 इनकी मल्टीप्लाई मतलब गुणा करो, 12 × 2 बेटा 24 तो ये अपना आंसर आ गया 4 डिजिट का, दैट इज 24, ठीक है बच्चों, समझे। यस सर। बताओ किसी को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, फिर देखो हम अलग अलग नंबर यूज करके बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। बताओ बेटा बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं, चार डिजिट नंबर बनाना था, चार डिब्बे बना दिए हमने, फर्स्ट डिब्बे में पॉसिबिलिटी सर्च कर ली, सेकंड डिब्बे की, थर्ड की और फोर्थ की, और इन पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आवर आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? नो सर। अब हम अपना जो
सेकंड क्वेश्चन था थ्री डिजिट नंबर, इसको ट्राई करते हैं क्या इससे अपना आंसर आता है। देखो नंबर है अपने पास 1 2 3 और हमने थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, तो बच्चों थ्री डिजिट नंबर बनाना हमने, तो तीन डिब्बे बना देंगे। चलो बना देते हैं, yes, sir. Second and third. अब बताओ बच्चों फर्स्ट डिब्बे के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है अपने पास? तीन। कौन कौन सी? 1 2 3 3 2 1 3 2 1 2 3 1 कुछ भी बोलो। एक मान लो मैं इसको अगली बार बंद दे देता हूँ तो वन तो पॉसिबिलिटी अपनी खत्म हो गई। आगे चलते हैं सेकंड डिब्बे की, बताओ कितनी है? तीन। दो सर। शाबाश, यहाँ पे मान लो तीन फिक्स करते हैं। और लास्ट डिब्बे की कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी? वन। वन तो इस काम पर कितना आ जाएगा बच्चों? इन पॉसिबिलिटीज की मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 × 1 कितना हो गया आंसर बच्चों? 6 6। यही अपना आंसर आया था। देखो हमने थ्री डिजिट नंबर बनाया उसका आंसर 6 ही आया था ना अपने पास? यस सर। एक बार फर्स्ट वाला और चेक कर लेते हैं उसका क्या आंसर होगा, फिर अपना कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। देखो फर्स्ट वाला था अगर टू डिजिट में 3 और 4 डिजिट अपने पास 3 और 4 टू डिजिट 4 बताओ टू दो डिब्बे बना दो, एक डिब्बा ये हो गया, एक डिब्बा ठीक है बेटा। तो फर्स्ट डिब्बे में क्या है? 3 और 4 कोई भी आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी 2 और नेक्स्ट डिब्बे की पॉसिबिलिटी कितनी? 1 ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 1 तो दैट इज 2 4 ठीक है ना। किसी को कोई बताओ इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो बेटा? नहीं सर। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ उसका बताना, एक क्वेश्चन लिखो How many three digit number can be formed by 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन? बेटा जो हमने अब कॉन्सेप्ट सीखा था ये विदाउट रिपीटेशन का था, इवन लास्ट के क्वेश्चन के अगर विदाउट रिपीटेशन लिखा मिलेगा तब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब बताओ बेटा हमने थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं बाय यूजिंग 1 2 3 4 तो कितने थ्री डिजिट नंबर बनेंगे बाय विदाउट रिपीटेशन? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 120 25 सर। 120 पांच नंबर हमने अपने पास फिर से सोच लो और थ्री डिजिट नंबर बनाना है। 120 नहीं बेटा फिर से सोचो एक बार, थोड़ा सा और ध्यान से सोचो, एक ही नंबर की गलती हो रही है तुमसे, फिर सोचो एक बार। हिमांशु बेटा बताओ। 60 सर। 60 बताया सर। दली बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे। अब एक बार बताओ कि 60 कैसे आंसर आया? 3 की पॉसिबिलिटी निकाल ली पहले। देखो बेटा तुम क्या गलती कर रहे हो सर, पॉसिबिलिटी देख ही नहीं रहे थे। 3 डिजिट नंबर बनाना हमने तो 3 डिब्बे बना दो ना तुम, 1 2 और 3 3 डिब्बे बना दे।
अपने पास नंबर कितने हैं आपकी बार? पांच नंबर है, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट फर्स्ट डिब्बे के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है अपने पास? 5। इन पांचों में से कोई भी एक नंबर रख सकता हूँ इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 5। इस साइड लिख भी देखो, 5 4 3। टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू फर्स्ट डिब्बे के लिए 5, और सेकंड डिब्बे के लिए कितने? सर हाँ भाई, सर हाँ जी बताओ। इन सबको म्यूट कर दो सर, आवाज साफ नहीं आ रही है। सबको म्यूट कर देते हैं बिल्कुल। एक जी बेटा, आप आवाज साफ आ रही है ना? चलो अब आप भी म्यूट हो गए हो, कोई नहीं, आगे सुनो। यस सर। इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है अपने पास? 5। नेक्स्ट जो डिब्बा है, अब देखो 5 पॉसिबिलिटीज थी, मतलब कि इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर उठा के इसको दे दिया होगा। मान लेते हैं हमने इसको 1 दे दिया, ठीक है? अब 1 दे दिया तो 1 तो पॉसिबिलिटी से हट ही गया अपने पास, टोटल नंबर कितने बच गए? 4। सेकंड डिब्बे के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी अपने पास? अब 4, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, और इसी तरह नेक्स्ट डिब्बे के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। सो टोटल नंबर्स कितने बढ़ जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 16। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? अब बेटा एक काम करो, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर की बजाय अगर मैं 4 डिजिट नंबर पूछ लेता, तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सैम? इसका आंसर बताओ। ट्वेंटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। हाँ बस, बहुत अच्छे। एक डिब्बा और लग जाएगा साथ में, और उसकी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 2। तो 60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, दैट इज 120। अब बेटा एक बात और बता दो फिर, हाउ मेनी 4 डिजिट की बजाय अगर मैं 5 डिजिट नंबर पूछता तो कितने आते? हाउ मेनी 120। हाँ जी, 5 डिजिट में भी अपना आंसर 120 ही आता, क्योंकि अगर एक डिब्बा और लगाएंगे तो उसके पास तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बचेगी, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी। और 120 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 120। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब बच्चों मैं एक काम करना चाहता हूँ, देखो अब यहाँ से विदाउट रिपीटेशन वर्ड में हटा के रिपीटेशन लगाना चाहता हूँ। देखना क्वेश्चन समझना, अपने पास नंबर यही है सेम, और मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, 3 डिजिट नंबर बनाना चाहता हूँ, 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 3 ही नंबर है अपने पास, 1 2 3। ठीक है बच्चों, और यहां से विदाउट रिपीटेशन हटा के मैं लिख देता हूँ कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड मीन दैट एक वर्ड रिपीट हो सकता है। तो बेटा आपकी बार बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन, फिर अगला तुम बताओ। 3 डिजिट नंबर, कोई कुछ नहीं, सेम काम है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिब्बे बना दो भाई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 3 डिजिट के लिए 3 डिब्बे हो गए अपने पास। अब अपने पास नंबर देखो कौन कौन से नंबर है अपने पास, 1 2 3, और साथ में कंडीशन दे दी कि रिपीटेशन इज अलाउड, मींस दैट देखो रिपीटेशन इज अलाउड का मतलब बताता हूँ मैं तुम्हें, इसका मतलब है कि हम नंबर इस तरह के भी बना सकते हैं, 1 1 1, या फिर 2 2 2, या फिर 1 2 2, या फिर 2 1 2, ये नंबर भी अब की बार हम काउंट करेंगे। समझ रहे हो बच्चों रिपीटेशन का क्या मतलब है? रिपीटेशन इज अलाउड मींस ये तीनों पोजीशन में एक ही नंबर भी आ सकता है, इन तीनों में अलग अलग भी आ सकते हैं, और दो में सेम एक में अलग कुछ भी हो सकता है, मतलब तीन नंबर है, इन तीनों को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। समझ गए बेटा रिपीटेशन का क्या मतलब होता है? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं।
अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की भी। फर्स्ट में पॉसिबिलिटी बताओ बच्चों कितनी आएंगी? थ्री। इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर उठा के मैं इस डिब्बे में ला सकता हूँ, वन बी टू बी थ्री बी कोई भी आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी होगी थ्री। अब दिलीप बेटा ये बताओ सेकंड डिब्बे में कितनी पॉसिबिलिटी होगी? सर दो। नहीं, ये बात है बेटा, देखो तीनों नंबर है, रिपीटेशन है अलाउड, रिपीटेशन है अलाउड, तो अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिब्बे में वन रख दिया तो वन कहीं चला नहीं जाएगा, वन फिर भी अपने पास है, समझ रहे हो? रिपीटेशन अलाउड मतलब नेक्स्ट डिब्बे में भी मैं वन रख सकता हूँ। थ्री। हाँ शाबाश, तो सेकंड डिब्बे के लिए भी तीन की तीन यू की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, रिपीटेशन अलाउड है इस वजह से ये कंडीशन होगी। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होती, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी होती। अब रिपीटेशन अलाउड है, दैट्स व्हाई इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी? तीन। अब कुणाल, कुणाल बेटा ये बताओ लास्ट वाले डिब्बे में कितनी पॉसिबिलिटी बच जाएंगी? थ्री सर। थ्री सर, थ्री बचेगी, तीन पॉसिबिलिटीज लास्ट वाले डिब्बे में भी बच जाएंगे। तो अपना आंसर कितना आएगा बच्चों? इन पॉसिबिलिटी को मल्टीप्लाई करके 3 × 3 × 3 27। बहुत अच्छे, ये अपना आंसर आ जाएगा 27। फर्क कितना था? अब क्वेश्चन में डिफरेंस समझो तुम, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था विदाउट रिपीटेशन, तो विदाउट रिपीटेशन का आंसर कितना आया था अपना? 6 आया था ना? Yes, sir. और अब विद रिपीटेशन में आंसर आया अपना 27। फर्क समझना बच्चों, ये जो लास्ट में वर्ड लिखा गया है ये तुमने ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे क्या लिखा गया है। अगर विदाउट रिपीटेशन तो वो कंसेप्ट लगाएंगे और अगर विद रिपीटेशन तो हम फिर इनको एक दूसरे प्लेस में आने की अनुमति दे देंगे, तो रिपीट करवा सकते, ठीक है बेटा? Yes, एक क्वेश्चन और बोल, अगर मान लो 3 digit की बजाय 2 digit नंबर पूछता तो कितने बनते भाई? 2 digit बेटा नंबर तो सेम ही है, 1 2 3 अपने पास, और मैं पूछ रहा हूँ 2 digit नंबर कितने बना सकते हैं इनसे? 9। बहुत अच्छे, क्योंकि एक डिब्बा ही तो कटेगा, डिजिट 2 रखनी है, मीन दैट तीसरा डिब्बा नहीं लगाना, 2 डिब्बे रखनी, तो फर्स्ट की पॉसिबिलिटी 3 और सेकंड के लिए की पॉसिबिलिटी 3, आंसर आ जाएगा 3 × 3 दैट इज 9। बच्चों ये छोटा सा कांसेप्ट था अपना, किसी को कोई दिक्कत हो इसमें बताओ। नो सर। नो सर। बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन लिखो, इस तरह के क्वेश्चन तो शायद कर लोगे अब तुम। यस सर। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल की बेटा, एक नया टॉपिक है छोटा सा, एक मिनट में समझ जाओगे तुम, फैक्टोरियल नाम आएगा एक। ये फर्स्ट टॉपिक था अपना फिलिंग द वैकेंट प्लेस, दूसरा अपना फैक्टोरियल किसे बोलते हैं बेटा? फैक्टोरियल बताता हूँ, नाम देख लो एक बार, फैक्टोरियल क्या नाम है? फैक्टोरियल। जैसे देखो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है बेटा, वन फैक्टोरियल, यहाँ से शुरू करता हूँ, वन फैक्टोरियल, वन के पीछे इस तरह का निशान होगा, देखो ये निशान जो दिख रहा है सिंपल, ये होता फैक्टोरियल का निशान, मीन दैट इसके साथ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये फैक्टोरियल का निशान होता है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल वन, ये वाला भी अपना फैक्टोरियल का ही निशान होता है, तो कहीं पे भी ये दोनों दिखे तो समझ जाना ये भी फैक्टोरियल को प्रेजेंट करता है और ये भी। वन फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? वन ही होगी, वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। अब अगली बात समझते हैं, टू फैक्टोरियल तो टू फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा अपना 2 × 1, मीन्स दैट हमें जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते करते उसमें से एक कम करके और उनको मल्टीप्लाई करते करते वन तक ले जाना है,
तो 2 × 1 कितना होगा बेटा 2। अब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होगा बेटा 3, तो 3 में से 1 कम किया, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 में से भी 1 कम करो तो वो हो जाएगा 1, 1 तक रोकना है हमने बस, तो 3 × 2 × 1 दैट इज 6, कितना आ जाएगा 6। अब बेटा 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4 फैक्टोरियल बताओ कितना आएगा, 4 × 3 × 2 बस 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 24, ठीक है ना बच्चों। 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो उसका फॉर्मूला 120 5 × 4 × 2 × 1 3 × 1। अब देखो, अब एक छोटी सी बात बताता हूं बेटा, 4 × 3 × 2 × 1 अपना किस में लिखा गया था, 4 फैक्टोरियल में भी तो लिखा गया है 24, तो मैं इसको भी लिख दूं 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, समझ रहे हो बच्चों? यस सर, समझ रहे हो ना। अब अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो इसको भी लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल अपना 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 को अगर छुपा दूं जो पीछे दिख रहा वो क्या अपना 3 फैक्टोरियल ही तो है, समझ रहे हो? तो 4 फैक्टोरियल को भी मैं क्या लिख सकता हूं 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह अगर 3 फैक्टोरियल को लिखना चाहूं तो भी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों? बताओ बताओ, किसी को अगर कोई दिक्कत हो इस बात में? नो सर। अब मैं एक और बात करता हूँ, 5 × 4 फैक्टोरियल लिखा मैंने 5 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 × 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नो सर। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, तो भी वही तो बात होगी, मैं 3 फैक्टोरियल को डिक्रीज करूंगा क्या बन जाएगा 3 × 2 × 1, यस सर, वो किसके इक्वल आ जाएगा अपना 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब जो भी फैक्टोरियल है उस नंबर को जहां तक हम डिक्रीज करना चाहे वहां तक कम कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला और नोट डाउन कर लो, कल उस फॉर्मूले को याद रखना। देखो 5 फैक्टोरियल ये सारी वैल्यू बता देते हैं आपको। अब अगर n फैक्टोरियल की बात करूं, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपना n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, एक एक कम करते रहो उसमें, n में से एक कम किया, अब n में से दो कम करेंगे n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3, और इसको लास्ट में कहां तक ले जाएंगे 1 तक ले जाएंगे, उतना n फैक्टोरियल, ठीक है, समझ गए? जैसे देखो n की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4, इफ n इज इक्वल टू 4 तो क्या बन जाएगा 4। रिपीट करना सर एक बार। देखो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 गुना n माइनस 3, एक एक कम करते रहो, पहले एक कम किया फिर दो कम करे फिर 3, और लास्ट में कहां तक जाना है 1 तक पहुंचना है। एक बात देखो, एक एग्जांपल देखो, मैं अगर n की जगह 4 रख देता हूं बेटा, n की जगह 4, तो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा यहां पे, अब यहां पे n की जगह 4 रख दिया 4, अब यहां पे 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 4 × 3, ये वाला ब्रैकेट भी हो गया अपने। अब यहां पे n की जगह 4 रखूंगा तो 4 माइनस 2 2, तो ये जो 2 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे 4 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, और 1 तक ही रुकना हमें, तो ये 4 फैक्टोरियल आ गया ना अपना 4 × 3 × 2 × 1, तो ये जब फॉर्मूला लिख दिया हम किसी का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे 5 फैक्टोरियल निकालता हूं तो n की जगह आराम से 5 रख दो, अब अगर n की जगह 5 रख दिया के देखो इस साइड तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, दूसरी साइड 5 और 5 में से कम किया 4,
फाइव में से दो कम किए थ्री, फाइव में से थ्री कम किया टू और फिर वन, समझ रहे हो? तो फाइव फैक्टोरियल आ जाएगा फाइव फोर थ्री टू वन की मल्टीप्लिकेशन। एक ये छोटा सा फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल का बेटा, कल सब इसको याद करके ना, एन फैक्टोरियल का एन वाला फॉर्मूला सर, ये वाला। अगर मैं एन माइनस फैक्टोरियल की बात करता तो देखो लिख देता हूँ एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन गुणा एन माइनस टू गुणा एन माइनस थ्री और अब तू वन तक चला जाएगा, समझ गए ना? ये सर अलग ये अलग फॉर्मूला है या यही है? सेम ही है, देखो एन की जगह एन माइनस वन ही तो रखा है ये, yes, ये उसमें से एक कम से शुरू कर दिया। अब अगर मैं